बिजनेस में बाधा, यात्रा में कष्ट, क्योंकि यात्रा का भाव भी है ना, और अष्टम में आ जाएगा तो अपने बुरे कर्मों का फल मिल जाएगा, या शत्रुओं से झगड़ा होगा, शरीर में पीड़ा होगी, फिर डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है, पाइल्स की प्रॉब्लम होगी है ना, और बुखार भी आ सकता है आपको, और अपमान का तो विशेष भय समझिए जब अष्टम में आ जाए तब। सूर्य एक महीना रहता है ना एक भाव में। हाँ, तो उस महीने में ये फल मिलेंगे। ऐसा चंद्र से जब नवम में आएगा सूर्य गोचर वश, तो हमारा जो झूठा आरोप लगता है, बिना कारण धन्य और पुण्य की हानि हो जाती है, इनकम में कमी हो जाती, बड़े भाइयों से और मित्रों से विरोध हो जाता है। चंद्र से जब दशम में सूर्य आएगा तो बहुत अच्छा होगा, राज्य अधिकारियों प्रतिष्ठित लोगों से मित्रता होगी, सज्जनों से लाभ प्राप्त होगा, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। तो जाहिर है कि इसके ठीक पहले चंद्र में सूर्य यहाँ एक महीना पहले यहाँ आया होगा। तो क्या ये सब हुआ बिना कारण? धन की हानि, पुण्य की हानि, आय में कमी, रोग अशांति, इतने फल में से रोग का फल जरूर मिला, भाइयों से विरोध नहीं रहा, नहीं ठीक। सर सही है। अब क्यों नहीं रहा उसकी भी बात है कि भाई जन्म कुंडली में सूर्य यदि तृक भाव में आ जाए और अपनी ही राशि का हो, तो उसके बुरे फल जो है शुभ फल में बदल जाते हैं। तो यहाँ सूर्य अष्टम भाव में अपनी ही राशि में, तो जब वो यहाँ आया था नवम भाव में, सर ये लाइन तो फिर से बताएंगे इसका। हाँ मैं बोल रहा था कि यहाँ बुरे फल मिलना चाहिए थे पिछले महीने, तो ऐसे नहीं मिले। ठीक है, थोड़ा जरूर धन की हानि हुई, इनकम में कमी हुई, अशांति रही मन में, लेकिन और बुरे फल क्यों नहीं मिले? कारण यह है कि यहाँ पर सूर्य जो है ओरिजिनल लग्न कुंडली में अपनी ही राशि में है, और वो त्रिक अच्छा भाव में बुरे फल देना चाहिए, लेकिन अपनी ही राशि में हो, त्रिक भावों का हो के भी वो शुभ फल देगा, यानी कि उस फल के ज्यादा बुरे फल नहीं मिले, तो मजबूत है इसलिए। मजबूत हो गया। अब जब वो यहाँ से अगले महीने 11वें भाव में आएगा तब क्या होगा? तब धन की प्राप्ति होगी, उत्तम भोजन, नवीन पद और बड़ों के अनुग्रह की प्राप्ति होगी। तो सूर्य अगले महीने यहाँ आ रहा है, अगले महीने दतिया में ज्योतिष सम्मेलन है, वहां के महाराजा साहब मेरा स्वागत करने वाले हैं। तो अरे वाह, बधाई सर, ये अभी से आगे है। कंग्रेचुलेशन सर। हाँ, विशेष सर सम्मान देने वाले इसमें हैं। एक बात बताइए सर, सूर्य का अगर सूर्य पे से ही गोचर हो तो क्या होगा सर? वो बताता हूँ, बात की बात है, अभी अच्छा तो सर, यहाँ की बात करें, चंद्र लग्न से हम देख रहे हैं, ठीक है। स्वास्थ्य अच्छा होगा, आध्यात्मिक मांगलिक कार्य होंगे, सात्विकता में वृद्धि होगी, लेकिन जब 12वें भाव में आएगा तब क्या होगा? दूर देश की यात्रा होगी, यानी जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा, कार्य में थोड़ी हानि हो सकती, खर्चे अधिक बढ़ जाएंगे, पेट में गड़बड़ी होगी, ठीक है, आंखों में कष्ट हो सकता है, ये होगा। तो अब आप सर अपना मैं तो देखें, पापी पापी अब ये ग्रह का तीन अब छह दस आपका 11 से आया तो अच्छा होता है। आप देखें ना, आपकी पत्रिका में देखिए प्रमोद जी, आपका सूर्य अब आ गया 12वें भाव में, तो हाँ जी, खर्चे बढ़ गए आपके, खर्चे बढ़े और कई लेकिन प्रकार सर, के रोग हाँ पैदा हो सकते हैं, पेट डिस्टर्ब रह सकता है आपका, आंख में समस्या आ सकती है, ये होंगे कब तक? सर जब ये तक वो यहाँ अच्छा है। लेकिन अब सूर्य को देखिए, सूर्य आपका तीसरे भाव में बहुत अच्छा है ना, इसलिए ये फल अधिक बुरे प्राप्त नहीं होंगे। ठीक, अब नीलम जी पत्रिका में देखिए, सूर्य कहाँ आया आपके? नवम भाव में आया है ना, तो सर, बिना कारण धन या पुण्य की हानि, यदि आपने कोई अभी नवरात्रि में उपासना वगैरह की होगी तो कुछ जी सर, गड़बड़ है, डिस्टरबेंस आया उसमें, नहीं सर, हमने तो बहुत अच्छे से किए हैं सर, अच्छे से की, तो बस फिर सर दूसरी चीज स्वास्थ्य में देखें। दिक्कत आई, स्वास्थ्य में दिक्कत हाँ, आई जी स्वास्थ्य में दिक्कत आई, मतलब सर। कोई भी एक फल का जो है बुरा मिलेगा, हम ये नहीं कहते कि सारे बुरे होंगे, जी सर, ये एक सामान्य है। क्यों? क्योंकि अभी सूर्य के साथ साथ अन्य ग्रहों का भी तो गोचर काम कर रहा यस सर, है, अन्य का भी काम कर रहा है, ये भी प्रभाव बात ही है। रहेगा ना। हाँ, अब सूर्य आपका दशम भाव का स्वामी है यस सर, लग्न कुंडली में,
और वो गोचर वर्ष नवम भाव में आया है। तो यहाँ पर कार्य में कमी, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो, यदि बिजनेस हो सर जी, क्या उसमें कुछ कमी? हाँ जी प्रणाम सर जी। हाँ अर्पित जी आ गए आप, बहुत दिन बाद, बहुत दिनों बाद आवाज आ रही है अर्पित जी। सर जी मैं नमस्कार, नमस्ते सर जी, नमस्कार, आ गए अर्पित जी, आ गए सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा सूर्य छठे में ही है, मेरा सूर्य गुरु जी छठे का कुछ लाभ गुरु जी मिलाने, क्योंकि मेरा मेष राशि है। आपका भी देख लेते हैं सर, कर्मों में हानि होगी क्या? ये सर आपकी मेष राशि है, आपकी ये मेष राशि को लग्न बना लिया, सूर्य अभी आपके सप्तम भाव में आ गया है ना। अच्छा ये तो मैरिज लाइफ पर किसी में तो गुरु जी उसमें, हाँ बोलिए, हम किसी में तो सूर्य अभी उसमें था दिखा रहा है कन्या में, हाँ, और इसमें दिखा रहा है तुला में। तुला में देखिए ये अपने जन्म समय के आधार पर भी है, और अभी चेंज होने वाले हैं, थोड़ी देर बाद ही वो चेंज हो जाएंगे, कन्या से तुला में चले जाएंगे है ना। तो पहले कन्या राशि में थे, यानी कि छठे स्थान में थे। वेरिएशन क्यों आ रहा है सर? पर कुंडली में तो सिक्स्थ में बता रहा था और इसमें सेवंथ में बता रहा है सर। ये मैं नहीं, आप आ गए है ना सर, आप सूर्य अब आ गए होंगे सूर्य, ये अलग अलग जगह की टाइमिंग है, अलग अलग जगह की टाइमिंग है। अच्छा अच्छा, जैसे दिल्ली में 7:22 में चेंज हुआ है, दिल्ली में 7:22 मैं बता रहा था कि ठीक इसके पहले सूर्य इनका छठे भाव में था है ना। तब छठे भाव में सूर्य जो है क्या करेगा, चंद्र छठे भाव में आएगा तब शत्रुओं पर तो विजय प्राप्त होगी है ना, जो विरोधी होंगे आपके वो चुप रहेंगे, कोई नए कपड़े वगैरह खरीदे होंगे, नया सामान खरीदा होगा, अन्न वस्त्र का लाभ मिला होगा है ना, और रोगों का नाश, ये बात आती है। मैं रोगों से दिक्कत, बस एक मतलब अजीब सी एक उलझन में रहता हूँ, रोग से हाँ, कोई से उतनी दिक्कत नहीं है। हाँ तो ये फर्क गोचर का देख रहे हैं। अब साथियों में आ गया तो अब क्या होगा, अब जीवन साथी से कुछ तनाव हो सकता है, और आपका जीवन साथी या पुत्र को शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कामकाज में व्यवधान आ सकते हैं, तो यात्रा आप करेंगे तो यात्रा में कष्ट आएगा और पेट में तकलीफ। ये अरे इनके लगन में राहु भी तो चल रहे हैं सर, इसलिए भी इनको मेंटली वो कर रहा है, वो बिल्कुल सामने दृष्टि तो उसकी पड़ी रही है। अब महेश जी की पत्रिका में देखिए है ना, ये देखिए इनका सूर्य आ गया इधर तुला में केतु के साथ है ना, और तृतीय भाव में आ गया है तो बहुत बढ़िया। मैंने भी बोला कि चंद्र लग्न से सूर्य जब 3, 6, 10, 11 में हो तो शुभ फल मिलेंगे, ठीक है सर। ये नीच का तो हो गया, केतु भी संघ में है ना सब, केतु भले नीच का हो गया सर, स्थान गोचर में स्थान देखते हैं, ये तीसरे भाव में क्रूर ग्रह शक्तिशाली हो जाता है सर, केतु का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो केतु का भी देखेंगे हम गोचर है ना। तो यहाँ पर भी टेंथ में आ गया सर, हाँ अभी सबका देखिए इनकी बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर सूर्य तीसरे भाव में आया है तो क्या होगा, सज्जन लोगों से उच्च अधिकारियों से मेल मुलाकात होगी, कोई बड़ा ऑफिसर वगैरह से, सरकारी अधिकारी से है ना, और संतान को धन लाभ होगा, सम्मान मिलेगा ये, और सबसे सद्व्यवहार बना रहेगा, यहाँ पर सूर्य इनको अच्छे फल देगा। जैसे ही सूर्य चतुर्थ भाव में आएगा तब कोई प्रॉपर्टी के मैटर में समस्या पैदा होगी सर। संतान को धन लाभ क्यों होगा? ये पंचम भाव से 11वें भाव में है ना, तो सर पंचम भाव क्यों देखा हम लोग ने, कारक है वहाँ का, इसलिए सूर्य कारक, सूर्य यहाँ का पुत्र का कारक तो है, वो तो गुरु समझ गई, ओके ये हुआ। अब नीलम जी की पत्रिका में देखें, सूर्य तो आप कहाँ देख ही चुके, हम नवम भाव में आया है, अब देखिए तुला में आ गया। हाँ सर तुला में आ गई, सूर्य तुला में आ ही गया है, आ ही गया जी। तो अब ये आया नवम भाव में, तो अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिना कारण धन्य या पुण्य की हानि हो सकती है ना, ये रोग कोई पैदा हो सकता है, ये तकलीफ दे सकता है, अपने से बड़ों से या मित्रों से या भाइयों से विरोध हो सकता है, ऐसे
समय में। तो हम क्या करें ऐसे के लिए, विवाद से बचें। फिर अन्य ग्रहों का भी अपना गोचर फल दिखाता है। अब चंद्र का गोचर ले लेते हैं कि चंद्र क्या हो, तो चंद्रमा के बारे में नोट करें। चंद्रमा जहां चंद्र लग्न से, चंद्रमा से चंद्रमा स्वयं 1, 3, 6, 7, 10, 11 1, 3, 6, 7, 10, 11वें भाव में चंद्रमा शुभ और बलप्रद हो जाता है। यानी कि जब गोचर का चंद्रमा जन्म के चंद्रमा या चंद्र राशि से उपरोक्त भावों में जाएगा तो वो शुभ फल देगा, बाकी भावों में अशुभ फल देगा। तेरे नंबर कौन से बताए एक बार? 1, 1, 3, 6, 7, 10, 11 तो अब चंद्रमा को देखें यहाँ पर, तो चंद्रमा आज का इनके नवम भाव में आया है। अब चंद्रमा तो 2.25 दिन एक राशि में रहता है जी सर। तो मैं सबका देखूं कि भाई लग्न से शुरू करें। अब चंद्र लग्न में जब लगने से आता है तो शुभ फल लिखा है, यानी जब चंद्रमा कुंभ राशि में होगा तब बहुत अच्छा रहेगा, उस दिन उत्तम भोजन अच्छा रहेगा और नींद भी अच्छी आएगी। लेकिन जब द्वितीय भाव में जाएगा तो ये थोड़ी मानसिक असंतोष देगा, परिवार वालों से कुछ विवाद हो सकता है, आंखों में कोई समस्या आ सकती है, है ना, पढ़ने लिखे में उस दिन रुचि का अभाव रहेगा। तीसरे स्थान पर जब आएगा तो धन का, धन की प्राप्ति होगी, अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, भाग्य के लिए भी अच्छा रहेगा। फिर चतुर्थ स्थान में जब आएगा तो अपने ही लोगों से वाद विवाद हो सकता है और सीने में, चेस्ट में पेन हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, समय पे भोजन नहीं मिलेगा, नींद में समस्या आएगी। और पंचम भाव में आएगा तो यात्रा में कष्ट, दुर्घटना की समस्या। अब चंद्रमा आपके पंचम में ही है और मंगल के साथ है तो अभी 2 दिन यात्रा से बचे। मैं तो घर में ही रहती हूँ सर, टंटा ही नहीं है सर कोई। हाँ तो घर में भी देखिए चोट न लग जाए। यस सर। है ना, और पेट में तकलीफ हो सकती है, पेट में। अब जब छठे में आएगा तो छठा तो अच्छा होगा, यहाँ स्वास्थ्य का लाभ दे देगा, है ना। फिर और अपने ही घर में अगर उसके मंगल हो तो धन लाभ भी देगा, चंद्र मंगल का योग हो रहा हो छठे में तो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग होता तो ऐसे में नहीं, क्या नहीं, पर... नहीं नहीं ये गोचर का फल अलग आ जाएगा। नहीं तो गोचर में चंद्र मंगल अगर इकट्ठे आ रहे हैं छठे में तो सर नहीं नहीं उसका नहीं है। अभी आपने जो बोला ना वो हम उसको देखेंगे कि जन्म कालिक ग्रहों से गोचर का फल अलग होता है। मतलब सर योग नहीं देखते गोचर में? हाँ, जैसे गज कैसे चंद्र गुरु का ये वो कोई काम का नहीं है। अच्छा, है ना। अब सप्तम भाव में आ जाए अगर गोचर वश चंद्रमा यहाँ पर, है ना, तो विलासिता बढ़ जाती है, छोटी छोटी यात्राएं लाभदायक भी होंगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अच्छे वाहन का सुख प्राप्त होगा। और वो कब और बढ़ जाएगा? जब शुक्र भी अच्छे फल दे रहा होगा। तो फिर चंद्रमा चंद्र लग्न से जब अष्टम में आ जाए, है ना, अष्टम में आएगा तब आपको श्वास संबंधी परेशानी हो सकती है, सांस की प्रॉब्लम, अपच हो सकता है, सीने में रोग बढ़ सकता है, झगड़ा विवाद, अचानक महान कष्ट आ सकता है, ये ध्यान रखें। पर वो तो अच्छा है कि चंद्रमा आपका जब त्रिक भावों में नहीं है, ये भी ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर चंद्रमा का गोचर में आना ठीक नहीं माना जाता अष्टम। अगर लग्न में आ रहा लग्न का मैं बता चुका हूँ, 1 से लेकर मैं अभी अष्टम भाव तक आ गया हूँ, अब मैं आ रहा हूँ नवम भाव। तो चंद्र जब चंद्र लगने से ही नवम भाव में आ जाएगा तो सरकार की ओर से परेशानी, जैसे नगर निगम का कोई नोटिस आ गया, है ना, टैक्स संबंधी कोई काम निकल आया, संतानों से मतभेद हो गया, स्वास्थ्य नरम गरम रहना, है ना, पेट में तकलीफ होना, ये भाग्य में कुछ रुकावट आ जाना। फिर जब दसम भाव में आ जाएगा चंद्रमा गोचर वश तो आपके कार्यों की सिद्धि होगी। तो भाई दिन कौन सा चुनना चाहिए? तो इस प्रकार से चंद्रमा का गोचर देखकर दिन चुना जा सकता है।
जी सर, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर का सुख अच्छा मिलेगा, और जब ग्यारहवें भाव में जाएगा तब भी अच्छा है, बिजनेस से लाभ, संतान से लाभ, उत्तम भोजन की प्राप्ति, हास परिहास में दिन बीतेंगे, ये दो दिन अच्छे रहेंगे, ठीक। फिर जब बारहवें भाव में जाएगा तो शारीरिक कष्ट होगा, खासतौर पे आंखों में कोई समस्या आ जाना, धन और मान में समस्या होना, तकलीफ होना, मानसिक चिंताएं बढ़ जाना। तो द्वादश भाव में गया हुआ चंद्रमा अधिक खर्च भी करता है और आदमी सोचता भी नहीं, विचार भी नहीं करता खर्च करने में, ऐसा भी हो जाता है। नींद में कभी भी आएगी सर, हर दो दो दिन बाद आएगा। आपने जो बताया तो इससे अपन अपने दैनिक फल को देख सकते हैं डेली, मतलब आज का जैसे कि आज क्या करें ना करें, क्या करें क्या। ठीक है, अब आते हैं मंगल का गोचर। तो मंगल, चंद्र लग्न से मंगल केवल 3, 6 और 11वें भाव में ही शुभ फल देता है, बाकी सब अशुभ है। कौन कौन से सर? 3, 6 और 11वें भाव में शुभ फल देता है। तो, 3 हाउस में। हाँ, अब देखिए ये विनय जी की पत्रिका। अब चंद्र में पहले यहां से शुरू करते हैं। जब लग्न में ही अगर मंगल आ जाएगा तब क्या होगा, कार्य सफल नहीं होते, है ना, कोई घाव हो सकता है, चोट लग सकती है, शरीर में कहीं कट लग गया, भले छोटा सा लगा हो, ये प्रॉब्लम हो सकती है, और जीवन साथी जो है बीमार हो सकता है, बुरे लोगों से कष्ट मिल सकता है, यात्रा में दुर्घटना होना, ये होगा। चंद्र से लग्न से जब द्वितीय भाव में मंगल जाएगा तो कार्यों में असफलता होती है, कोई सामान चोरी होता है, धन की हानि हो सकती है, कठोर वचन बोलने में आ जाते हैं यहाँ पर, ये भी ध्यान रखें। शरीर में पित्त बढ़ जाता है, एसिडिटी प्रॉब्लम। जब तीसरे भाव में जाएगा तब तो अच्छा है, तो साहस पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, है ना, यहाँ पर, और अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी वगैरह हो उनसे लाभ प्राप्त होगा, है ना, क्योंकि वो छठे भाव से ग्यारहवें में गया है। फिर और तर्क शक्ति बढ़ जाती है। जब चंद्रमा चंद्र लग्न से सॉरी मंगल जब चंद्र लग्न से चतुर्थ भाव में जाएगा तो शत्रु पैदा हो जाएंगे, जमीन जायदाद के मामले में समस्या पैदा हो जाएगी, कोई केस वेस चल रहा हो तो ऐसे समय में हम टाल दें उसको, है ना, ये रोग पैदा हो सकता है कोई, उससे बचे। मन में हिंसा का भाव आ सकता है कि भाई इसकी तो आज पिटाई कर दो, मार दो। पंचम में जब आ जाएगा मंगल तो धन और स्वास्थ्य की हानि होती है, संतान या संतान को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई, ये ध्यान रखें। और ऐसे में यदि हम केपी को मिला लें और केपी में यदि दशा या भुक्ति में 4, 8, 12 चल रहे हो तब तो संतान को बहुत तकलीफ हो सकती है, है ना। अब छठे में जब आएगा मंगल तो यहाँ पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, है ना, सोना हो तो सोना खरीदने का लाभ होगा या घर में रखे हुए सोने का भाव बढ़ जाएगा, स्वयं के प्रभाव में वृद्धि होगी, है ना। अब जब अष्टम भाव में सॉरी अष्टम नहीं यहाँ आ जाते हम सप्तम भाव में जब चंद्रमा आएगा तब क्या, तब स्वयं के जीवन साथी से विवाद या जीवन साथी की हेल्थ ठीक नहीं रहती, भाइयों से जो है बिगाड़ हो सकता है, और हमारी आंख में समस्या आ सकती है, आंख का दुखना हो सकता है, रोग हो सकता है। सर चंद्रमा अब, एक राशि में 45 डेज रहता है ना? हाँ चंद्रमा नहीं सर मंगल, नहीं चंद्रमा मंगल, मंगल, मंगल 45 डेज तक है। हाँ तो अभी अभी तो यहाँ मंगल छठे भाव में आपका तो बहुत अच्छे फल देगा वो तो। अभी तो सर फिर 1 महीने बाद बीवी से पंगा होगा मतलब। वो उनकी हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है। आप अभी से बोल सकते हैं कि अगले महीने आपकी हेल्थ खराब होने वाली है। कम बोलना भैया, बिल्कुल कम बोलना। अब अष्टम भाव में जब आएगा तो कार्यों में हानि होती है, कोई घाव या रोग हो गया तो उससे पीड़ा बढ़ जाती है, है ना, कब्जियत की समस्या हो सकती है। इस वक्त जब मंगल यहाँ हो तब लंबी यात्राओं से बचने की कोशिश करें, है ना।
ऐसे में गोचरवश इस मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ज्यादा खराब हो जाए। फिर नवम भाव में जब आ जाएगा गोचर तो यहाँ अनादर की प्राप्ति होती है ना, घुटनों में दर्द या पैरों में दर्द पैदा हो जाता है, भाग्य की थोड़ी हानि हो जाती है, अगर ऑपरेशन स्वयं का हो तो उसके बिगड़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ऑपरेशन कब करवाएं कोई पूछे तो देख लीजिए उसका, चंद्र लुकुंडी में अगर मंगल नवम में आ जाए तो अभी ऑपरेशन को टाल दे रहे हैं। फिर जब दशम भाव में मंगल आएगा तब क्या, तब तामसिक भोजन की प्राप्ति होती है, फिर काम काज में हानि होती है, बाधाएं आती है, चोरों का भय भी बना रहता है। ये तो मंगल यहाँ पर धन की प्राप्ति भी कराता है और धन उसी वक्त चला भी जाता है, दोनों बातें देखने में आई है गोचरवश। और जब मंगल ग्यारहवें भाव में जाएगा तब तो बहुत बढ़िया, इनकम के मामले में मंगल बहुत अच्छा हो जाएगा, कार्यों में सफलता भी मिलेगी। और जब बारहवें भाव में जाएगा तो धन की हानि होगी, आंखों में पीड़ा हो सकती है, भाइयों में अनबन हो सकती है, जीवन साथी से वाद विवाद हो सकता है, संतान अगर पुत्र है तो कष्ट होगा, ये देखने में आया है। अब आते हैं बुध का गोचर, ठीक है, बुध के गोचर की बात करें, ये महेश जी की पत्रिका लेते हैं। तो देखिए चंद्र लग्न से बुध जब 2, 4, 6, 8, 10 और 11 2, 4, 6, 8, 10 और 11वें भाव में आएगा तब वो शुभ देगा, ऐसा ठीक है, अभी शुभ दे रहा है। हाँ तो अभी इनका मंगल भी 11वें में है, सूर्य हाँ, भी 3रे में है, हाँ, मतलब मेरा अभी पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। है ना, तो जब बुध अगर लग्न में आ जाता तब क्या होता है, अप्रिय शब्दों का प्रयोग होना, छोटे छोटे झगड़े पहुंच जाना, हमारे जो सगे संबंधी हैं उनसे कुछ खास फायदा नहीं होता है। और अब बुध जब द्वितीय में आ गया है तब तो बहुत बढ़िया है, आनंद धन की प्राप्ति, स्वयं के लिए कोई आभूषण खरीदना सोने का या डायमंड का, अच्छे खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होगी। अब जब बुध तीसरे भाव में आएगा तब यहाँ थोड़ा साहस में कमी, भाइयों से थोड़ा झगड़ा, धन हानि, लेकिन यहाँ पर आया हुआ बुध जो है नए मित्रों की प्राप्ति भी कराता है, कुछ नए लोगों से मित्रता भी होती है। अरे कितने दिन में चेंज होता है बुध? बुध एक राशि में कितना 18 दिन का 18 दिन होता है सर। हाँ बाकी वक्री और बारकी के कारण अंतर पड़ता है सर। हाँ वक्री का फर्क पड़ सकता है, वक्री बारकी का अंतर कम ज्यादा हो जाता है, कम ज्यादा होता है, वो देखिए अनुभव की बात है, आप जितना इसमें रिसर्च करेंगे हो सकता नया कुछ निकल आए। जब चतुर्थ भाव में आएगा तो धन की प्राप्ति, माता का सुख, जमीन जायदाद में वृद्धि, है ना, अच्छे विद्वान लोगों से मुलाकात होती है, घरेलू जीवन का सुख भी अच्छा मिलता है, घर में रेस्ट करने को मिलता है। जबकि पंचम भाव में आएगा तो पुत्र से और अपनी स्त्री से वाद विवाद हो जाता है, लेकिन अन्य स्त्रियों से अच्छे बातचीत होती है, ये भी देखा प्रेम वार्ता होना। और जब बुध चंद्रमा से छठे भाव में, चंद्र जब छठे भाव में आएगा तो अच्छा खाने पीने को मिलेगा, उत्तम वस्त्रों का प्राप्ति होगी, अच्छी मनोरंजक पुस्तकें पढ़ने का सुख मिलेगा, ये भी होगा। अब जब छठे भाव में आ जाएगा बुध तब क्या होगा, तो यहाँ पर स्त्री से विवाद, मित्रों और संबंधियों से कुछ विवाद, फिर सरकार का से कुछ विवाद हो सकता है, धन का नाश होना, यात्रा कर रहे हो तो कष्ट होना, ये भी है। बुध चंद्र लग्न से अष्टम भाव में आएगा तो धन का लाभ, क्योंकि अष्टम का ये बुध अच्छा माना गया, जातक की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। फिर सप्तम हो गया, सप्तम नहीं बताया अभी, सप्तम सप्तम का बताया ना कि जो है जीवन साथी से वाद विवाद हो सकता है। अच्छा अब आ जाए हम
आठवें भाव का हुआ, आठवें भाव में तो सफलता ही देना है उसने बुध ने। अब जब नवम भाव में आएगा तब क्या, तब जो है कोई ना कोई कार्य में विघ्न बाधा आती रहती है, यात्रा में असुविधा होगी, धन और सम्मान की हानि हो सकती है, संबंधियों से आपको जो है कुछ विरोध होगा, है ना, ये हो सकता है। फिर जब दशम भाव में आ जाए बुध तब बहुत अच्छा है, कोई नए पद की प्राप्ति, व्यवसाय में वृद्धि होगी, अच्छा घरों घर का अच्छा सुख मिलेगा और जनहित के कार्य करने की भावना मन में आएगी कि आज मैं पब्लिक के लिए कुछ कर दूं। ग्यारहवें भाव में जब बुध आएगा गोचर वर्ष तो अच्छा स्वास्थ्य लाभ देगा, यश और धन और यहाँ तक कि संतान प्राप्ति भी होती है यदि परिस्थिति अनुकूल हो, कि भाई अभी शादी हुई है ये वह जो भी हो, ये शुभ कार्यों में प्रवृत्ति बढ़ जाती है। फिर जब बुध यहाँ आ जाएगा बारहवें भाव में तो धन और सुख में कमी होगी, है ना, भोजन में मजा नहीं आएगा, झगड़े हो सकते हैं, शत्रुओं द्वारा अपमान हो सकता है, हेल्थ प्रभावित हो सकती है। अब ले लें गुरु को। सर बुध के लिए एक प्रश्न था, पूछो जी। हाँ सर, ये जैसे पंचम भाव में बताया है कि बुध अच्छा नहीं रहता है, पत्नी से वाद विवाद हो सकता है, लेकिन पत्नी के पंचम भाव तो हाँ जीवन साथी के लिए तो ये ग्यारहवा भाव हुआ ना, लाभ नहीं, भाव वो भले ही हुआ, वो भले ही हुआ, गोचर हाँ, के रूल अलग चलते हैं। नहीं जैसे अभी पंचम से ये अपना तीसरा भाव लाभ भाव हुआ बच्चे के लिए, जैसे पत्नी के लिए ये लाभ भाव हुआ पंचम भाव। हाँ लाभ भाव हुआ तो फिर क्यों लड़ाई होगी? लेकिन फिर भी जब वो यहाँ भाई स्थान, हाँ स्थान सातवें में तो अच्छे फल देगा ना, सातवें में तो बुध का अच्छा फल नहीं बताया ना आपने, सातवें में, हाँ सातवें में अच्छे फल नहीं बताया, राइट, ठीक नहीं आएगा, हाँ वो पंचम में भी अच्छा नहीं बताया, सातवां और पंचम बिल्कुल दोनों ही खराब, बिल्कुल दोनों ही खराब बताएं, बिल्कुल भले ही वो कहने को लाभ के हो, वाणी का कारक होता है शायद इसलिए होता होगा। हाँ सर, मेरी कुंडली गुरु का गोचर दे, आपकी पत्रिका डालनी पड़ेगी सर, एक मिनट, क्या नाम बताइए आपका? प्रवीण भट्ट। प्रवीण जी आपकी है क्या इसमें? धर्मेंद्र भट्ट। अच्छा धर्मेंद्र जी आपके देख लेते हैं, मेरी होगी नहीं शायद, तो चलिए अभी डाल लेते हैं इसमें, कैंसिल। सर मेष राशि वालों के लिए अगले एक महीने बाद सूर्य तो अष्टम में चले जाएंगे। एक मिनट में पहले ये काम कर लूं। हाँ बोलिए सर, तारीख बताइए। 22/2/1968 22/9/24 अच्छा 24 है, 24 फरवरी 24 फरवरी 1968 ओके, टाइम 11 बजे रात को, तो 23 ओके, प्लेस मोड़ासा गुजरात, गुजरात तो ये रहा गुजरात, और स्पेलिंग क्या? MODASA DASA मोड़ासा, ये आ गई सर। तो आपकी है धनु राशि, है ना, तो ये बन गया ओके। तो अब हम आ जाते हैं गुरु के फल पे, है ना। अब नोट करें, चंद्र लग्न से गुरु यदि 2, 5, 7, 9, 11 भावों में आएगा तो शुभ फल देगा। 2, 5, 7, 9, 11 शुभ फल देगा। ये तो विवाह वाले भाव ही हो गए एक प्रकार से। अब सबसे पहले यहां देखिए, यदि गुरु यहां पर आया होता लग्न में आ जाता तब क्या होता? कामकाज में बाधा, व्यवसाय बाधा, कार्यों में विलंब या यात्रा में कष्ट। जरूरी कि सारे के सारे फल मिले, कुछ फल मिल सकते हैं ऐसे हमें। अब द्वितीय भाव में जब आ जाता तब क्या? धन आता, क्योंकि अभी मैंने बोला दो भाव अच्छा होता, धन आता, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है ना, विवाह ना हो तो विवाह होता है, पुत्र ना हो तो पुत्र का सुख प्राप्त होता है,
शत्रु कोई होंगे तो आगे बढ़ के मित्रता करते हैं और हमारी जो है प्रसिद्धि भी बढ़ती है। तो यहाँ पर आया हुआ गुरु, द्वितीय भाव में आया हुआ गुरु अच्छे फल देगा, जबकि चंद्र लग्न से तृतीय भाव में आ जाएगा तो शारीरिक संताप, परिवारजनों से झगड़ा या कामकाज तक छूट जाता है और कामकाज में परेशानी आती है। सरकारी कर्मचारी चाहे नगर निगम का व्यक्ति क्यों ना, उससे भी समस्या पैदा हो जाती है। मित्रों से हानि होती है। अब चतुर्थ में आ जाए, चतुर्थ में आएगा तो क्या होगा, मन में अशांति पैदा करेगा, जैसे कि अभी यहाँ पर आ गया, मन में अशांति पैदा करना, जन्म स्थान से कहीं दूर स्थान की यात्रा होगी, जमीन जायदाद संबंधी कोई मामला चल रहा हो तो वो अभी अटक जाएगा, ये होगा। पंचम में आएगा तो बहुत अच्छा, हर कार्य में सफलता, पद की प्राप्ति, घर में मांगलिक कार्य उत्सव होते हैं जब यहाँ पंचम में आता है तब, पुत्र जन्म ना हुआ हो और ऐसी संभावना बन रही हो तो पुत्र जन्म की संभावना बढ़ जाती, व्यक्ति की लॉजिकल पावर बढ़ जाती, ये भी देखने में आया है ना। और अगर वो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, जुए सट्टे में, कैसीनो में, तो लाभ मिलता है। जब छठे भाव में आएगा गुरु तब क्या होगा, तब ये रोग पैदा करता है, संतान से जो है बनती नहीं है, हमारा संतान कहना नहीं मानती, ये भी हो जाता है ना। और राज कर्मचारियों से विरोध हो जाता है, सरकारी लोगों से। सप्तम भाव में जब जाएगा तब चिंता बढ़ती, चोरी का डर बढ़ जाता है, सरकारी अधिकारियों से कर्मचारियों से अनबन होने का खतरा रहता है, धन होता है पास में लेकिन कम पड़ता है, और धन के बढ़ने में रुकावट आ जाती है कि सपोज कोई अपने को मिलना हो पैसा वो रुक जाता है, ये भी होता है। अच्छा बताया ना वचन गुरु का, गुरु का यहाँ सप्तम भाव में ही बात कर रहा हूँ, चिंता बढ़ जाती है। सातवें को आप काट दीजिए, सातवा गलत है, वो मुंह से निकल गया होगा, हटा दीजिए, अब आठवें भाव में आएगा तब ठीक नहीं होता, ये चोरों से भय, कठोर वचन बोलने की आदत पड़ जाती है, शरीर की कांति घट जाती है, शारीरिक कष्ट कोई बढ़ सकता है, और अपने ही देश में कोई ऐसी यात्रा पर जाना पड़ता है जिसमें तकलीफ होती है, भाई रेलवे की यात्रा करी, रेल में यात्रा में कष्ट पैदा हो गया, संतान से विरोध हो जाता है। और जब नवम भाव में जाएगा तब तो बहुत बढ़िया है, भाग्य की विशेष वृद्धि होगी, संतानों से लाभ प्राप्त होगा, यहाँ पर हर कार्य में सफलता मिलेगी और भाई भी जो है मदद करते हैं अपने। दशम भाव में आएगा तब ठीक नहीं, अन्न और धन दोनों की हानि होती है यहाँ पर। फिर ग्यारहवें भाव में आ जाएगा तब तो बहुत बढ़िया है, प्रतिष्ठा का लाभ होगा, समस्त कार्यों में सफलता मिलेगी, विवाह ना हो तो विवाह होगा, पुत्र जन्म ना हो तो पुत्र संतान पुत्र प्राप्त हो सकती है, और सर्विस में जो है प्रमोशन हो सकता है, वैभव विलास की वस्तुएं प्राप्त होती, लग्जरियस आइटम खरीदने में आते हैं, जीवन साथी के साथ अच्छा सुख प्राप्त होता है। सर एक राशि में 13 महीने रहता ना सर? हाँ एक राशि में 13 महीने, एक राशि में 12 महीने, एक साल रहता है 12 महीने रहता, 12 महीने 13 महीने। सर तो गुरु चेंज कब हो रहा है अभी? हाँ अभी तो मुझे याद नहीं, देखना पड़ेगा, 13 महीने रहेगा। हाँ गुरु देखिए ना, जब सिंह राशि में जब गुरु आता है एक साल रहता है, फिर एक पूरे 12 साल पूरे करके फिर सिंह राशि में आता है, तो उज्जैन में सिंहस्थ मेला लगता है, तो ऐसे कुंभ का भी है, ऐसे कुंभ और ये गुरु दोनों जब आ जाते हैं कुंभ राशि में आते हैं तब वो भी मेला लगता है कुंभ का, पर सिंहस्थ मेला का फिक्स रहता है कि जब गुरु सिंह राशि में आया तो सिंहस्थ बोला जाता है। गुरु कुंभ राशि में आया तब इलाहाबाद का लगेगा ना सर? इलाहाबाद का लगेगा। सर प्रेजेंट में 60 डिग्री का है तो सर अभी तो आधा भी नहीं पहुंचे। हाँ अभी तो बहुत टाइम है। Yes, sir. फिर जब 11वें भाव, अब 12वें भाव में कभी आ जाएगा तो क्या होगा, 12वें भाव में होगा तो संतान को अपने से कहीं दूर जाना पड़ता है, यात्रा में कष्ट होगा, धन की हानि होगी और अचानक खर्च किसी कारण से बढ़ जाता है, और विश्वास पात्र व्यक्ति जो आपका होगा ना वही आपकी छवि खराब भी करता है, ये भी देखने में आया।
अब शुक्र की बात करें, है ना, ये सतीश जी की ले लेते हैं पत्रिका में, शुक्र की बात करें तो अब शुक्र का गोचर में फल, चंद्र लग्न से जब शुक्र एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, आठ नौ ग्यारह और बारह, यानी केवल छह और दस को छोड़ दीजिए, बाकी सब भाव में वो सातवां भाव, सातवां भाव इतना बुरा बना दिया कि उसको शुक्र भी नहीं ले रहा। हाँ सातवां भी ले लीजिए, छह सात और दस, छह सात और दस ये ठीक नहीं। तो शुक्र जब चंद्र लग्न में गोचर में आएगा तब क्या, तब तो बहुत अच्छा है ना, सुख और धन की प्राप्ति, विवाह न हो रहा हो तो विवाह की संभावना बढ़ जाएगी, संतान जन्म की प्राप्ति, यदि व्यक्ति अध्ययन कर रहा है स्टूडेंट है तो सफलता प्राप्त होगी, सब प्रकार के वैभव विलास प्राप्त होंगे यहाँ पर। ठीक, जब द्वितीय भाव में आएगा तब भी बहुत अच्छा है, धन की प्राप्ति होगी, एक से अधिक बार धन की प्राप्ति होना, तो अभी इनका शुक्र सतीश जी का शुक्र यहाँ पे अच्छा है ना, नए कपड़े आभूषण की प्राप्ति, शुक्र तो सत्रह दिन ही रहता है ना, भले ही रहे इतने दिन में फल दिखाएगा है ना, ये विद्या में रुचि होना, हेल्थ अच्छी रहना, शत्रुओं का नाश होना, गीत संगीत में रुचि बढ़ जाना। तीसरे भाव में जब आएगा गोचरवश तब क्या होगा, मित्रों से सुख मिलेगा, धन मिलेगा, साहस बढ़ जाएगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों से अच्छी बनेगी, धर्म में रुचि बढ़ेगी। इसी प्रकार से ये शुक्र जब चतुर्थ भाव में आएगा तब तब कई प्रकार से घर में वैभव विलासिता का सामान बढ़ेगा, कि भाई आज फ्रिज लिया है, या कोई भी विलासिता का लग्जरियस आइटम घर आता है, यहाँ पर शुक्र आएगा, जब किसी भी प्रकार का हो सकता है ना, लोगों से अच्छा प्रेममय वातावरण रहेगा। पंचम में आएगा तो संतान से अच्छे संबंध रहेंगे, अन्न धन की प्राप्ति होगी और खाने पीने में अच्छा सुख मिलेगा, मन चाह खाना, किसी का प्रेम संबंध चल रहा हो तो प्रेम संबंध जो है अधिक मजबूत हो जाएगा, फिर इधर उधर घूमना फिरना, डिस्को वगैरह में जाना, क्लब में जाना, वो होगा। जब शुक्र छठे भाव में आ जाएगा तब शत्रुओं की वृद्धि होगी, लेकिन हम शत्रुओं से संधि भी करेंगे, ये दोस्ती भी बनेगी, स्वयं के जीवन साथी से कुछ जो है वाद विवाद हो सकता है। सातवें में आ जाएगा तब जो है ठीक नहीं है, यहाँ पर काम धंधे में प्रॉब्लम और सेक्सुअल पार्ट्स में कोई परेशानी, यूरिन संबंधी समस्या आ जाना, किडनी में समस्या हो सकता ना, या जीवन साथी का बीमार पड़ जाना, रोगग्रस्त होने की संभावना। ऐसे में व्यक्ति यदि अन्य स्त्रियों से या अन्य व्यक्ति से संबंध रखे तो उसमें अपमान की प्राप्ति या यात्राओं का अधिक होना। अब जब आठवें में आएगा तब क्या, आठवें में आ जाएगा तब तो बहुत अच्छा, सारे कष्ट दूर। शुक्र जब अष्टम भाव में आ जाए चंद्र लग्न से तो विलासिता सामान वृद्धि, कुटुंबियों से धन सुख का लाभ, परिवार में किसी के मांगलिक कार्य में जाना पड़ सकता है। और शुक्र जब या नवम भाव में आएगा तब उत्तम वस्त्र आभूषण की प्राप्ति और शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना, कोई ऐसा लाभ भी मिल सकता है जो लंबे समय तक बना रहे, भाइयों से सहायता भी प्राप्त होगी और स्वयं के देश के अंदर ही लंबी यात्रा भी हो सकती है। फिर शुक्र जब दशम भाव में आएगा तो शरीर में पीड़ा और मानसिक चिंता, नौकरी और व्यवसाय में हानि, शत्रु हमारे विरोधी हो जाते हैं और स्वयं की स्त्री को दुख पहुंचता है किसी कारणवश। ग्यारहवें भाव में जब आ जाएगा शुक्र तब तो धन लाभ, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, बहुत अच्छा है, स्त्रियों से अच्छे संबंध रहेंगे या हम ये कहेंगे विपरीत लिंग से अच्छे संबंध मिलेंगे, उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। बारहवें भाव में जब शुक्र आ जाएगा तो भी विलासिता बढ़ जाती है,
घूमने फिरने में खर्च होता है ना, ये बात है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का यदि कपड़े का बिजनेस है तो उसको ठीक नहीं रहता है यहाँ पर। अब बात करते हैं शनि की, शनि एक राशि में लंबे पड़ा रहता है पर मेरा नहीं दीजिए। हाँ, अब शनि का देख लेते हैं, ये शनि की बात करें तो शनि केवल लग्न से तीसरे छठे और ग्यारहवे में ही शुभ फल देगा। तीसरे छठे और ग्यारहवे मंगल की तरह। हाँ, तो देखिए अगर शनि यहाँ पर चंद्र लग्न में आ जाए तो बुद्धि काम नहीं करती है, शारीरिक मानसिक पीड़ा बढ़ जाती है, किसी शस्त्र से या पत्थर से चोट लग जाती है, जैसे हम कभी टकरा क्यों न गया हो, है ना, मित्रों से हानि होती है, घर में सुख की प्राप्ति होती है, दूर स्थानों की यात्रा भी जरूर होती है ना, और कोई सरकारी नोटिस या केस चल रहा हो तब तो समझिए बंधन की हानि हो सकती है, बंधन का भय रहता है, आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है। द्वितीय भाव में जब शनि आ जाएगा तो बिना कारण वाद विवाद हो जाता, स्त्री को कष्ट, जीवन साथी को कष्ट हो सकता है, और यदि उनके मारक बाधक नकारात्मक भावों की दशा भुक्ति चल रही हो तो मृत्यु तक हो जाती है। यहाँ पर शनि ठीक फल नहीं देगा। तृतीय भाव में आ जाएगा तो आरोग्य, पराक्रम की वृद्धि, हर कार्य में सफलता, है ना, और ऐसा व्यक्ति कोई पशुधन भी खरीदता है, गाय खरीद लेना या डॉगी खरीद लेना, जमीन जायदाद के लाभ के लिए उपयुक्त समय माना गया है शनि का तीसरे भाव में आना। चतुर्थ भाव में जब आ जाएगा तो रोग और शत्रु बढ़ जाएंगे, स्थान परिवर्तन होता है, या व्यक्ति अपने घर में सोने का स्थान बदल लेता कि मैं आज इस कमरे में सोता हूँ, इस कमरे में सो जाऊं, या सिर की दिशा बदल लेता, धन की कमी भी होती है, ये भी है, सरकार से भी जो है अनबन हो सकती है। पंचम में आज यदि आ जाएगा तो बुद्धि भ्रमित होती है, योजनाएं बनाता तो होते व्यक्ति लेकिन उसकी प्लानिंग सफल नहीं होती है, और फिर संतान को कोई कष्ट हो सकता है, ये भी ध्यान रखें, है ना, और अपनी ही स्त्री से जो है वैमनस्य भी हो सकता है, पुत्र के द्वारा हानि पैदा कर देना, मान लीजिए उसने पैसे मांगे धन कहीं लगाने को बिजनेस में और वो डूब गए, ये भी होता है। छठे भाव में जब शनि आ गया तब तो बहुत बढ़िया, भूमि मकान वाहन की प्राप्ति, स्वास्थ्य उत्तम, जीवन साथी से अच्छा सुख प्राप्त होना। जबकि सातवें भाव आ जाएगा तो घर छोड़ के दूर जाना पड़ना या बार बार किसी कारणवश यात्रा होना, जीवन साथी को रोग होना, मानसिक परेशानी बढ़ जाना, यात्रा में कष्ट, दुर्घटना भी हो सकती है, ये बात। आठवें भाव में आ जाएगा तब तो कार्य सफल नहीं होते, अपमानित होने का भय रहता है, सरकार के द्वारा दंड प्राप्ति, चाहे टैक्स लगा दिया हो या कोई और प्रकार से, ये ठीक नहीं होता है। दुष्ट व्यक्तियों से मित्रता होती है, जुआ सट्टे में पैसा लगाया, बेटिंग वेटिंग की तो हानि हो जाएगी। नवे भाव में आएगा तो दुख और रोग और शत्रु तीनों ही बढ़ जाएंगे, धर्म के कार्यों से व्यक्ति विमुख हो जाता है, ये। या कई बार तो धर्म परिवर्तन भी कर लेता, तीर्थ यात्राएं भी करता लेकिन कोई लाभ नहीं होता उसको। दशम भाव में अगर यहाँ शनि आ जाएगा, यहाँ पर दशम भाव में, तब तो व्यवसाय में परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन, कामकाज में बहुत बाधाएं आना, धन खर्च करने पर भी कार्य न होना, जैसे कोई नौकरी के लिए ट्रांसफर करवाना चाहता हो, पैसा खर्च कराओ, हो ही नहीं रहा ट्रांसफर, पाप कर्म की तरफ मन भटक जाता है, जीवन साथी से विरोध भी होता है और उसको सीने के रोग भी परेशान कर सकते हैं यहाँ पर आ जाए तो। फिर शनि जब ग्यारहवें भाव में आ जाए तो बहुत बढ़िया, तब तो आप समझिए भूमि से, जमीन से, सीमेंट के कामकाज से, कोयला, लोहा, चमड़ा, इन सब से लाभ प्राप्त होना, नौकरों से भी सहयोग अच्छा मिलना, अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग अच्छा मिलना, पदोन्नति, प्रमोशन भी हो जाता है, है ना। फिर बारहवें भाव में जब शनि आ जाएगा तब अपने परिवार से दूर रहना, सगे संबंधियों से और प्रतिष्ठित लोगों से ही मतभेद हो जाना, हेल्थ में प्रॉब्लम,
भाग्य का पतन होना, और ये समय संतान के लिए ठीक नहीं होता, संतान को कहीं ना कहीं कष्ट होता है। शनि जब 12वें भाव में आएगा तब ये हो। अब राहु का फल देखते हैं, ये महेश जी की पत्रिका ले लेते हैं। राहु, राहु का जो फल है, ज्यादातर इसके बारे में चंद्र लग्न से गोचर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, तो शनि के जो फल बताए गए हैं वही इनके भी फल देखे आए हैं, देखने में आए हैं। फिर भी ऐसा हम मानते हैं कि राहु चंद्र लग्न से जब 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 ना 1, 3, 5, 7, 9, 8, 9, 10 भाव में आएगा तो शुभ फल देगा। धन्यवाद। तो अब जब राहु चंद्र लग्न में आ जाएगा तो मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन संपत्ति में वृद्धि होगी, लेकिन क्योंकि राहु चंद्रमा का शत्रु है, उसकी राशि में आया है तो मानसिक परेशानी भी देगा। द्वितीय भाव में आ जाए, है ना, द्वितीय भाव में जब राहु आ जाए चंद्र लग्न से, तो परिवार वालों से अचानक अनबन हो जाती है, धन की अचानक हानि हो सकती है, ये ध्यान रखे। फिर तीसरे भाव में आ जाएगा तो शत्रुओं पर विजय, अचानक भाग्योदय उदय हो जाना, मित्रों से लाभ। सर ये उल्टा नहीं चलेगा कि ऐसे ही चलेगा? नहीं नहीं सर, यहाँ पे ऐसा उल्टा नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ जाएगा, वो उल्टा चलेगा आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि पहले चंद्रमा इनका यहाँ पे होगा, अब पीछे पलट के वो मेष राशि में आया तो अब कहाँ जाएगा, आगे वो छठे आठवें भाव में आएगा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि कहाँ है तो क्या फल देगा, वो चलने की बात नहीं करी, वो तो गोचर फिक्स है उसका, तो कि वो अब आगे वाली राशि में आएगा, पीछे वाली राशि में जाएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था तीसरे भाव में, तीसरे भाव में तो बहुत बढ़िया है। अब चतुर्थ भाव की जब आप बात करें तब क्या होगा, तब सुख का नाश होना, राज्य के विरुद्ध विद्रोह प्राप्त होना, पैतृक स्थान से दूर ले जाना, फिर सुख में कमी प्राप्त होना। अब आगे चंद्र लग्न से जब पंचम भाव में आ जाए तब क्या होगा, धन ऐश्वर्य में अचानक वृद्धि हो जाएगी, है ना, सट्टे आदि से लाभ होगा, भाग्य आय में वृद्धि होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब यह राहु आएगा, है ना, तो इसकी दृष्टि जो है क्या बोल रहा था, पंचम भाव, हाँ पंचम भाव। अब राहु की पंचम दृष्टि भी मानी गई है, लेकिन नवम दृष्टि भी है, तो 7, 8, 9 चंद्र लग्न पर ही पड़ेगी, है ना, तब यहाँ थोड़ी सी मानसिक परेशानी भी पैदा होगा, राहु का गोचर बड़ा भ्रमित करता। फिर जब पंचम छठे भाव में आ जाएगा तब क्या होगा, तब तो भाई अगर रोग चल रहा हो तब ये उस रोगों को बढ़ा देगा। मामा लोग हैं आपके तो बीमार होंगे, मामा जी कब बीमार होंगे, जब आपका राहु छठे भाव में आएगा। धन की भी हानि हो सकती है, आय में कमी और आंखों में कष्ट, कई प्रकार के व्यसन भी लग सकते हैं व्यक्ति को। सप्तम भाव में जब राहु होगा तो अचानक जो है बिजनेस में लाभ हो जाएगा, राज्य की कृपा मिलेगी, शरीर में फिर भी पित्त कुपित हो जाता, एसिडिटी बढ़ जाती है और गैस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। अष्टम भाव में आ जाएगा तो अकस्मात रूप से धन की वृद्धि होगी, लेकिन यदि व्यक्ति विदेश यात्रा पर चला जाएगा तो उसको कोई खतरनाक रोग हो सकता है, ये ध्यान रखे। तो जब राहु अष्टम भाव में गोचर वश आया हो चंद्र लग्न से, तब विदेश यात्रा जाए तो विशेष रूप से सावधान रहे, है ना। नवम भाव में राहु आ गया है तब तो स्वास्थ्य का लाभ, मित्रों से लाभ, है ना, और बहुत बढ़िया रहेगा। तो महेश जी का यहाँ पर आ गया है अभी राहु, तो बहुत ही अच्छे फल देगा, सरकार से भी लाभ प्राप्त होगा, कृपा बनी रहेगी। लेकिन चंद्र लग्न पर 1, 2, 3, 4 राहु की पंचम दृष्टि, तो थोड़ी सी मानसिक परेशानी भी रहेगी। और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा भी यहीं पे आया हुआ है। हाँ, टेंशन बढ़ गई बिना मतलब। हाँ, अब जब दशम भाव में आएगा तब क्या होता है, जब राहु दशम भाव में आता है तो तीर्थ स्थान की यात्रा होती है,
है ना, या कोई अच्छी पवित्र नदी में स्नान करने का मौका मिलता है, दान पुण्य करने का मन करता है व्यक्ति का, मान सम्मान में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, कार्य सफल होते हैं, हालांकि शत्रु पैदा होते हैं लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाते। ग्यारहवें भाव में हो जाएगा तब भी दान पुण्य की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, लेकिन संतान को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे मित्रों से भी हानि हो सकती है। बारहवें भाव में अगर आएगा तब तो खर्चे बढ़ा देता है, घर छोड़ के दूर जाना पड़ सकता है, बंधन योग बन सकता है यदि कोई केस वगैरह चल रहा हो तो, नहीं तो हो सकता है कि मान लीजिए लॉकडाउन लग गया तो घर में ही रहना पड़ गया, ये भी एक प्रकार का बंधन है। धन और पशु सुख की हानि, तब धन और पशु सुख की हानि। हाँ तो देखिए, एक राहु एक राशि में कितने समय रहता है, डेढ़ साल रहता सर, 18 हाँ लगभग 18 महीने, 18 तो डेढ़ साल, फिर ये डेढ़ साल डेढ़ साल डेढ़ साल। तो महेश जी आपने डॉगी पाल रखा है, तो देखिए उसको कब समस्या आएगी, 1 2 3 मतलब 3.5-4 साल के अंदर अंदर उसको समस्या आएगी। नहीं उल्टा चलेगा ना सर, हाँ हाँ सॉरी ये तो उल्टा चलेगा, राइट 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 सर, ये मैंने तो उल्टा पहले चलेगा उल्टा, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। और अष्टम में आके तो ये आपको अच्छे फल देने वाला है। तो अब अगर राहु जब आपका ये मीन राशि में आएगा तो आप ध्यान रखें कि आपको जो विदेश यात्रा नहीं करनी, और करें तब वहां का माहौल अच्छा होना चाहिए, मतलब रोग ना फैला हुआ हो, ऐसी कंट्री जहाँ पर कोई रोग फैला हुआ नहीं जाना है, तो ये अच्छा हो गया। इसी प्रकार से केतु की बात करें तो केतु के वही फल होते हैं जो लगभग राहु के होते हैं, लेकिन ये भी 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11 में शुभ फल देता है, 8वें में नहीं देगा। 8वें में नहीं देगा, बताया सर, 1, 2, 3, 4 गुरुजी, 5, 7, 9, 11 हाँ जी सर। इस पर मान लीजिए कोई ग्रह जैसे इस वक्त शनि वक्री हो गया है ना, तो इसका फल बहुत स्लो स्लो मिलेगा कि ये फल को अंबा अपने बीचेगा? नहीं, वो बढ़ जाएगा वक्री होने पे। देखिए दो बातें, वक्री होने पे शुभ ग्रह का फल बढ़ जाता है ऐसा, और अशुभ ग्रह का फल जो है वो अशुभ हो जाता है। अच्छा सर, एक चीज सर ये भी पूछनी है, जैसे कुछ लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजर, जैसे लग्न कुंडली का गोचर ज्यादा सटीक बैठता है और चंद्र कुंडली का उतना नहीं बैठता है। हाँ, आप, तो मैं, आप सर, मैंने अभी आप, क्लास की शुरुआत में ही बताया है कि हम चंद्र लग्न से क्यों देखें। अष्टक वर्ग में भी ये लिखा है, फल दीपिका किताब जो फेमस है साउथ इंडिया में, उसमें भी यही लिखा कि चंद्र लग्न से देखें। तो हम चंद्र लग्न से तभी देख रहे हैं, फिर जन्म कालीन कालिक ग्रहों से गोचर देखेंगे। कि मान लीजिए सूर्य अभी चंद्र पे आया है ना, तब क्या फल देगा, वो भी अलग आएगा गोचर। ये बात क्वेश्चन अच्छा हाँ। सर किसका होता है, लग्न का अच्छा होता है कि चंद्र का अच्छा होता है? देखिए ये दोनों आपको अनुभव करना पड़ेंगे, उसके आधार पर रिजल्ट निकालना है, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान है और विज्ञान के लिए द्वार खुले पड़े हैं। सर हाँ। दीपावली पूजन में चंद्रमा देखते हैं ना कि चंद्रमा कहाँ चल रहा है, तो 6-8-12 में जाए? नहीं नहीं नहीं, वो चंद्रमा को नहीं देखते हैं, चार और स्थिर गोचर देखते हैं उसमें, चार और स्थिर लग्न के हिसाब से, लग्न से देखते हैं। वो तो देखिए मुहूर्त की बात आ गई है, वो अपना काम नहीं है, वो बात की बात है ना, वो लग्न से देखते हैं, वो कौन सा लग्न है वो अलग बात है। ठीक है सर, एक बात बताइए, थोड़ा भ्रम है, कुंडली मिलान करते हैं तो कभी कभी ये भी देखते हैं नवमांश में मित्र होता, तो नवमांश में मित्र नवमांश का जो लग्न बनेगा या नवमांश में जो चंद्र होगा उसकी मित्रता देखी जाएगी? हाँ अभी आपने बोला, देखिए एक तो अपना लग्न का चार्ट देखना है उसमें है ना, नवमांश तो मैत्री के लिए ना गुण मिलान में काम आता है, तो पिछले दोषों को दूर करता है। हाँ, नवमांश की मित्रता किससे देखेंगे?
हाँ नवमास की मित्रता दोनों के नवमास चार्ट में उनके सप्तम भाव के स्वामियों को देखा जाएगा और उनके राशियों के स्वामी। तो इसलिए कई बार जो है पंडित लोग चंद्र कुंडली भी देते हैं, मैं खुद भी जो है मिलान की चार्ट में चंद्र कुंडली बना के देता हूँ जी। नहीं मैं सर चंद्र में तो हम चंद्रमा देखेंगे कहाँ पे है चंद्रमा की मैत्री, लग्न हाँ। में भी चंद्रमा देखेंगे राशि स्वामी, पर नवमांश में हम किसको देखेंगे, सप्तम के स्वामी को या जहाँ पे नवमांश का। बिल्कुल बिल्कुल, तो जरा नवमांश की क्लास पर आइए। मैंने हर बार क्या बोला, प्रत्येक वर्ग कुंडली के लग्न भाव को पहले देखिए, लग्नेश को क्या लग्नेश बलि है ना, और फिर विचार कर रहे जीवन साथी का तो फिर सप्तम भाव के स्वामी को भी देखा जाता है मिलान के तौर पे। तो ग्रह दोष नाड़ी दोष को देखना उसमें। हाँ उसमें खास तौर पे हम एक तो नाड़ी दोष का महत्व मानते हैं क्योंकि वो शरीर की हानि पहुंचाता है, नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए। एक नक्षत्र भिन्न चरण होने पर उसका वेद हो जाता है ना, मतलब वो अपने आप में अलग ब्रांच हो गई इसी की। तो नवमांश में मित्रता जो देखते हैं वो सप्तम भाव के स्वामी को और लग्नेश के स्वामी को। हाँ जी,